अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहरस्तरितराणि तृणायमेने स्मद्गुरोः भगवतोऽस्यादयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। नमः सकलकल्याणदायिने चक्रपाणये विषयार्णवमग्नानां समुद्धरणहेतवे श्रियः परिमहं वन्दे श्रीवैकुण्ठनिकेतनं पाञ्चरात्रप्रवक्तारमाद्यन्नारायणं गुरुं तोताद्रौ पौण्ड्रवर्धने च सालग्रामे च पुष्करे अनन्तपुर्यामुद्भूतान्विज्ञानगुणदेशिकान् विज्ञानगुणभूषितान् कौपगायनचाण्डिल्यो भारद्वाजश्च कौशिकः मौञ्ज्यायनश्च पञ्जोऽपि सन्मूर्तिप्रणीतोद्भवान् द्वापरस्य युगस्यान्ते आदौ कलियुगस्य च साक्षात्सङ्कर्षणाल्लब्ध्वा वेदमेकायनाविधम् सुमन्तुं जैमिनिञ्चैव भृगुञ्चैव उपगायनं मौञ्ज्यायनं च तमेव सम्यगध्यापयत् पुरा भगवत्पथितान् जातान् भगवत्शास्त्रतत्परान् दीक्षामन्त्रांश्च चक्राब्जे शिष्याल्लक्ष्मीपतिप्रियान् विष्णोर्भगवदस्वार्थपरार्थाराधनेतरान् वन्देऽहं गुणमाचार्यान् पाञ्चरात्रप्रवर्तकान्येष एकायनो वेदः संसारार्णवतारकः मोक्षायनाय वैकुण्ठाय तदन्यो न विद्यते तस्मादेकायनं नाम प्रवदन्ति मनीषिणः मूलवेदस्य सारस्य पाञ्चरात्रस्य जिष्णुषः। श्रीमते रामानुजाय नमः। भगवदाराधन विधेः अनुसन्धानं भवति स्म। ब्रजेश वाज रैक्स कापिटल तदत्र आचार्यः ब्राह्मे मुहूर्ते समुत्थाय अग्निहोत्रान्तं नित्यकर्मादिकं परिसमाप्य आलयं त्रिप्रदक्षिणीकृत्य गोपुरद्वारमासाद्य आमणिबन्धं पाणिपादौ प्रक्षाल्य द्विराजम्य पवित्रपाणिः आलयं प्रविश्य अन्तःप्राकारं त्रिप्रदक्षिणीकृत्य पूर्वाचार्यध्यानपूर्वकं ध्वजस्तम्भसमीपे साष्टाङ्गं प्रणम्य अन्तःप्रविश्य विश्वक्षेत्रं सम्प्रार्थ्य चण्डप्रचण्डौ प्रणम्य गर्भद्वारमासाद्य घण्टानादं कुर्यात्। तत्र श्लोकः अपसर्पन्तु नादशब्दपयीम् आगमार्थन्तु देवानां एष रक्षो हरश्रीमान् इत्यादयः। गर्भद्वारमासाद्य सतार्क्ष्यचण्डादिभ्यो नमः इति अञ्जलिं कृत्वा षडङ्गन्यासं कुर्यात्। आचक्राय स्वाहा, विचक्राय स्वाहा, सुचक्राय स्वाहा, सूर्यचक्राय स्वाहा, ज्वालाचक्राय स्वाहा, सुदर्शनचक्राय स्वाहा इति। तत्र तालत्रयं कृत्वा अन्तःप्रवेशः। दक्षिणे वामं संताड्य वामहस्तेन दक्षिणं, वो कैसा तालत्रय करना वो भी वहां पर बोल दिया। और एकतालम द्वितालम त्रितालम, तत्र त्रितालमेव सुखम आप्नोति तस्मात् तालत्रयं कुरु।
ओम यम वायवे नमः इति वायुमंत्रेण तालत्रयं कृत्वा तूर्यादि मंगलवाद्यघोषैः सह कवाटम उद्घाट्य देवव्रत साम उच्चरन् दक्षिणाघ्रिणा अंतः प्रविशेत्। पतिपताय मित्रपताय क्षत्रपताय धनपताय शुभपताय इत्यादि रूपेण ये केचन समीपे सामवेदिनः वर्तन्ते चेत् तेषां परस्तात् एतद्वेदगानम् अध्येतव्यम्। जिस किसी को भी नजदीक में पान सामवेदी मिलेगा तो उनके द्वारा ये मंत्र भी अर्चक को सीखना चाहिए। ऐसा दो तीन मंत्र उनके पास हो तो भगवान को सेवा करने में आनंद आएगा। और मंदिर में खास करके मंत्र पुष्प समर्पण में मिनिमम दो तीन मंत्र को उनको सीखना चाहिए, अलग अलग वेदों का स्वशाखा के सिवाय। यारो ಸ್ವಶಾಖೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಶಾಖೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದೆರಡು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನಾದರೂ ಅರಿತರೆ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಮಟ್ಟುಮಲ್ಲಾಮೆ ತನ್ನುಡೆಯ ಶಾಖೆ ಎಲ್ಲಾಮೆ ಮತ್ತ ಶಾಖೆಯನ್ನುಡಿಯ இரண்டொரு மந்திரங்களை அருகிலே இருக்கும் வேதாச்சாரியர்கள் மூலமாக புரிந்து கொண்டால், அத்தியனம் பண்ணினால் அந்த மந்திரத்தாலே அர்ச்சகனானவன் எம்பெருமானுக்கு திருவாராதனம் செய்யும் பொழுது மந்திர புஷ்பங்களை சமர்ப்பிக்க முடியும். ஆகையாலே அந்த மந்திர புஷ்பம் சமர்ப்பிப்பதற்காகவாவது சில மந்திரங்களை புரிந்து கொள்ள வேணும். அதுபோலவே இந்த அதிபதாய் மித்ரபதாய் என்ன முடியான தேவவிரத சாமம், இந்த தேவவிரத சாமத்தை சொல்லிண்டுதான் கர்ப்பகிரக பிரவேசம் பண்ணணும் அப்படின்னு இருப்பதாலே இதை புரிந்து கொள்வது உத்தமம். பிறகு எம்பெருமான் சந்நிதியில் போய் பிரவேசம் பண்ணி அகண்ட தீபமாவது இருக்கும். அதனால அந்த பிரவேசம் பண்ணி புண்டரீகாக்ஷ வித்யா தேவம் பிரணம்யா ஜிதந்தே புண்டரீகாக்ஷா என்னும் முடியான அந்த ஸ்லோகத்தை அனுசந்தானம் பண்ணிட்டு எம்பெருமானுடைய திருவடிகளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணணும். கைகூப்பி நமஸ்காரம் பண்ணுறது உத்தமம். திருவடி தொட்டு கை நமஸ்காரம் பண்ணினோம்னா கையை கழுவி கொண்டு பண்ணுறது உத்தமம், சுத்தம் பண்ணி. தேவர சந்நிதிக்கு பிரவேசம் ஆடிய நந்தர ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಿತಂತೆ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಇತ್ಯಾದಿ ಆ ಮಂತ್ರ. ಆ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನಿನಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಹೇ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಜಿತಂತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನೇ ವಿಶ್ವಭಾವನ, ವಿಶ್ವನ ವಿಶ್ವಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪನಾಗಿ ನೀನೇ ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ನಿಂತಿರುವೆ, ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಥಾನ ಋಷೀಕೇಶ. ಋಷೀಕಾಣಾಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಈಶಃ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವನು ನೀನೇ. ಅಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷನಾದ ನಿನಗೆ, ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತರಹಿತನಾದ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇ ಎಂಬೆರುಮಾನೇ, ಉನಕ್ಕೆ ಜಯಮಾಹಟ್ಟಂ. ನಿಂದ ವಿಶ್ವಭಾವನ ಸಂಪೂರ್ಣಮಾನ
இந்த பிரபஞ்சத்தையே உன்னுடைய சரீரமாக கொண்டு நீ இங்கே எழுந்தருளி இருக்கிறாய். விஸ்வபாவனா, அப்பேற்பட்ட உனக்கு நம் எல்லோர்களுடைய புலங்கள், இந்திரியங்கள், அது அவ்வளவையும் நியமனம் பண்றதுக்கு சாமர்த்தியம் உள்ள நீன், ஆதி மத்தியாந்தரஹிதனான நீன், உனக்கு மகாபுருஷனான உனக்கு பிரணாமங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு பிரணாமம் பண்ணணும். ஹே பகவான் புண்டரீகாஷ் ஆப்கோ ஜெயஹோ கமலமயன புண்டரீகாட்சா இது சேத். அவர் ஆப் விஸ்வபாவன, விஸ்வபாவ கே ரூப் மே ஆப் யஹாம் பர் கடே ஹோ, விஸ்வரூப தர்சன ரூபேண ஆப் யஹாம் பர் கடே ஹோ. இஸ்லியே மங்களா தர்சன் பிரதம தர்சன் கோ விஸ்வரூப தர்சன் ஐசா போல்தே. ஹே விஸ்வபாவனா தே நமஹ. भगवान जब तक विश्व को अपना भाव में लेते हैं तब तक ही विश्व रह सकता है, तब तक ही हमें मौका मिलता है. इसलिए हे विश्वरूपा ते नमः, हे विश्वभावना ते नमः. विश्वभावन स्वरूप ही मंगल दर्शन है, इसलिए प्रथम दर्शन को विश्वरूप दर्शन को मंगल दर्शन ऐसे बोलते हैं. ஹே ரிஷிகேஷ ரிஷிகாணாம் இந்திரியாணாம் ஈஷ, ஹமாரா சபி இந்திரியோ கா ஆப் ஹி நியமன் கர்னே வாலே, ஆப்கா நியமன் ஹை தோ ஹி ஹம் மந்திர் மே பிரவேஷ் கர்கே ஆப்கா சேவா பி கர் பாயேங்கே. ஆப்கா இந்திரிய நியமன் கே ஆதார் சே ஹி யே சப் கடா ஹை. இஸ்லியே ஆதி மத்யாந்த ரஹித் சனாதன் ஸ்வரூப் ஆப்கோ மகாபுருஷ்கோ हमारा प्रणाम, ऐसा प्रणाम करना है. अखंड दीप होगा तो वो अत्यंत कम प्रमाण में होगा, इसलिए उसको बढ़ाना. दीपम प्रज्वाल्य प्रकर्षेण उज्ज्वलं कृत्वा, दीप को बढ़ाना है क्योंकि मंदिर में कभी भी दीप रहता है अखंड रूप, बीच में कभी कभी खंडित हो जाता है तो उसको ध्यान रखने का अभ्यास हो जाएगा तो धीरे धीरे अखंड रखने का भाव आ जाएगा. जब दीप अखंड होगा तभी ही भगवान में हमारा दृष्टि भी अखंड होगा, हमारा नजर भी अखंड होगा. इसलिए अखंड दीप को रखने में हमारा एक निर्णय रहना, भगवान से ही प्रार्थना करना, ये अखंड रखने के लिए हमें योजना करो तो स्वयं हो जाता है. नेत्र मंत्रेण ओम तेजसे फटि ओम रग्न रम अग्नये नमः, और भी अलग अलग मंत्र है, उस मंत्रों से कर सकते हैं. और दीपस्य पूजनं दीप ज्योतिर नमस्ते स्तु इत्यादि ना भो दीप देवी रूपस्त्वम, अथवा वेद मंत्र उद्दीप्यस्वजात वेदो बघ्न निरृतिं मम इत्यादि मंत्र. और भगवान का निर्माल्य, क्योंकि रात को भगवान को शयन होगा, शयन में अच्छा सुगंधी पुष्प धारण किया होगा, उस पुष्प को भगवान से लेना और लेके उसको विश्वक्सेन को अर्पण करना. जहां पर शयन करवाया है कर्मार्चा को, छोटा मूर्ति को, तब उसका भी पुष्प निकाल के उसको विश्वक्सेन को अर्पण करना है. निर्माल्य तेगदु अदन्न विश्वक्सेनरिगे अर्पणे माडबेकु. अथ निर्माल्यं विसृज्य विश्वक्सेनाय दद्यात् ततो वितानं भूमिं भित्तिं वेदिका परितश्च शुद्धि मंत्रेण गंधोदकेन मार्जयित्वा. इसका उच्चारण का तो पूर्ण रूप में आपको भेज दिया है लिंक, उसके आधार से आपको उसको सीखना, क्योंकि प्रयोग कंठस्थ है,
उसके आधार से सेवा कर पाएंगे। या तो उम्र बढ़ गया है, कंठस्थ नहीं कर पाते हैं, तो उसको अनुसंधान रखते रखते भी सेवा कर सकते हैं, परंतु अपेक्षित मंत्रों को तो कंठस्थ करना पड़ेगा, यथा रम जगत ज्योति रूपाय महादीप ज्योति नमस्ते स्तु इत्यादि मंत्रों। विश्वक्सेनाय दद्यात् ततो वितानम सिंहासनम भूमिं च भित्तिम। भगवान का मंदिर का शुद्धिकरण करना है। पहले भगवान का जो भद्र पीठ है उनका शुद्धिकरण करना है। भगवान का मूर्ति और मूर्ति का भद्र पीठ वगैरह शुद्धि करने में अच्छा सफेद वस्त्र को उपयोग करना है, या तो मयूर पंख उसको यूज करना है, अथवा मंदिर शुद्धि करने के लिए ही अलग रीत से दर्भ का पूंजी में किया हुआ पदार्थ मिलता है उससे शुद्धिकरण करना है। इसलिए शुद्धिकरण करते वक्त अर्चक को याद रखना है कि झाड़ू यूज नहीं करना है भद्रपीठ आदि का समीप में, खास करके गर्भगृह में ही नहीं करना है। वहां के लिए अलग तरीके का दर्भ का झाड़ू जैसा रहने वाला सम्मार्जनी वो मिलता है, उसका खास करके मंगवा के उपयोग करने का अभ्यास करना। जब तक वो नहीं मिलता है, कपड़ा का पुंज बना के उससे करना है, और उस वस्त्र को शुद्ध भी रखना है। इसलिए है कि पुजारी शुद्ध होकर आएंगे और फिर मलिन वस्त्र का स्पर्श से ये अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए उसको शुद्ध रखने में ध्यान रखना। पोता भी शुद्ध हो तो ही पोता करने वाला शुद्ध हो सकता है। अतः अल्ली मंदिर शुद्धि माड़ा दर्भे मोदलादुगळिंद तयारादंत सम्मार्जनीयना उपयोगवन्नु माडिकोंडु भगवंतन वितान मंटप सिंहासन आ भगवंतनु निंतिरतकंतह भूमि गर्भगृह मत्ते हागे गोडि गोडे ಕೆಲವು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸುಗಂಧ ಪೂರಿತವಾದ ಜಲದಿಂದ ಗಂಧೋದಕೇನ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಜಯಿತ್ವ ಸಮ್ಮಾರ್ಜನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ತೀರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿ ನೆಲವನ್ನು ಒರೆಸುವಾಗ ಆ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಗಂಧವನ್ನು ಸುಗಂಧವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಒಳಿತು. ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರಾದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದುಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧಿ ಮಂತ್ರ ಅಗ್ನಿಶುಚಿವ್ರತತಮಶ್ಯುಚಿರ್ವಿ ಪ್ರಶ್ಯುಚಿಃ ಕವಿಃ ಶುಚಿರೋಚತ ಆಹುತಃ ಉದಗ್ನೇ ಶುಚಯಸ್ತವ ಶುಕ್ರಾಭ್ರಾಜಂತ ಈರತೆ ತವ್ಯೋತಿಗಶ್ಯರ್ಚಯಃ ಶುಚಿವೋಹವ್ಯಾಮೃತಶುಚೀನ ಗುಂ ಶುಚಿಗುಂ ಹಿನೋಮಯಧ್ವರಗುಂ ಶುಚಿಭ್ಯಃ ಋತೇನ ಸತ್ಯಮೃತಸತ್ಯಮೃತಸಾಪ ಆಯಶುಚಿಗುಂ ಜನ್ಮಾನಶುಚಯಃ ಪಾವಕಾಃ. ಈ ಮಂತ್ರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕಠಿಣವಾದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಪರಿಚಯವಾದಂತಹ ಮಂತ್ರ ತತ್ಸಂಯೋರಾವೃಣೀಮಹೆ. ಉಚ್ಚ ಸಮಯ ಮೇ ಅಗ್ನಿಶುಚಿವ್ರತ ತಮಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಂತ್ರಕ್ಕೂ ಕಂಠಸ್ಥ ಕರ್ನೆ ಮೇ ಕಠಿಣಾಯಿ ಹೋಗಾ ತೋ ಹಮೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಂತ್ರ ತೋ अभ्यास में है ही, उस मंत्र का उपयोग करना तत्संयोरावरणी और आवरणी में है गातुम यज्ञाय, उसका भी उच्चारण क्लास में दिया गया है.
अग्निशुचिव्रत तमहांगिर मंत्रम अरे कंठस्थम मुखस्थम பண்ணுகிற விஷயத்தில் சமமானால் எல்லோருக்கும் அறிந்த மந்திரம் தச்சையோராவணிமக அந்த மந்திரத்தால பண்ண முடியும். காதும் யஜ்ஞாயா காதும் யஜ்ஞபதியே இத்தியாதி. சன்னோஸ்துத்விபதே சஞ்சதுஷ்பதே ஓம் சாந்தி. ततो तूर्यादि घोषे प्रवर्तिते देवस्य यागार्हं शुद्धं जलं गालितं कुंभेन नदी गडा तटाक कूपादिभ्यः प्रदक्षिणक्रमेण समानीया. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಶುದ್ಧಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಶುದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಮೂಲವಾದದ್ದೇ ತೀರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತೀರ್ಥ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮೊದಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಮೀಪವಿರುವ ತಟಾಕ ಕೊಳಗಳು ಅಥವಾ ನದಿ ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬಾವಿ, ಪವಿತ್ರವಾದ ಬಾವಿ, ಮತ್ತಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ದೇವರಿಗಾಗಿಯೇ, ದೇವರ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ದೇವರ ಮಂದಿರದ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿಯೇ ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಬಾವಿಯಾದರೆ ಉತ್ತಮ. ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಶುದ್ಧಿ, ರಜ್ಜು ಶುದ್ಧಿಯನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗೆಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಥ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ನಲ್ಲಿಯ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕಂತಹ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಮ ಬಂದಿದೆ. ವಸ್ತುಶಃ ಅದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಎಂದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಪ್ರಸರಿಸುವಂತಹ ನೀರು, ಅದೇ ನೀರು ಮಂದಿರದ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಯೋಗ್ಯವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪವಿತ್ರವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರು ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಭೂಗರ್ಭ ತೀರ್ಥ ತಾನೇ ಎಂದ. ಭೂಗರ್ಭ ತೀರ್ಥವಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪೈಪಿನ ಶುದ್ಧಿ ಯಾವ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತೀರ್ಥವೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಣ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ, ಬಹಳ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು, ದೇಶೀ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು, ಸೀಮೆ ಹಸುವಲ್ಲ, ದೇಶೀ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನ ಬಿಂದುವನ್ನಾದರೂ ಸೇರಿಸಿ ಆ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ನಾವು ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಶುದ್ಧ ತೀರ್ಥದ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂದಿರೊಮ್ಮೆ ತೀರ್ಥ ಶುದ್ಧಿಕಾ ಸ್ಥಾನ್ ಅತ್ಯಂತ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಓಬಿ ಪರಾರ್ಥ ಯೋಜನ. ಆಜ್ಕಲ್ ಹಮ್ ತೋ ಫ್ಲಾಟ್ ಮೇ ಇತ್ಯಾದಿ ಮೇ ರಹತೆ ಹೇ, ಇಸ್ಲಿಯೆ ಪಾನಿ ತೋ ನೈಲ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಿ ಆತಾ ಹೇ, ವೋ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ತೋ ಸಬ್ ಜಗ ಮೇ ಜಾಕೆ ಆನೆ ವಾಲಾ ಪಾನಿ ಹೇ. ಪೈಪ್ ಕಿತ್ನಾ ಭಿ ಹಮ್ ಹಮಾರ ನಲಿ ಕೋ ಶುದ್ಧಿ ಕರ್ ದಿಯಾ ತೋ ಭಿ ಪಾನಿ ತೋ ಶುದ್ಧ ನಹಿ ಹೇ, ಶುದ್ಧ ಹೋಗಾ ತೋ ಭಿ ಪವಿತ್ರ ನಹಿ ಹೇ. ಉಸ್ಕಾ ಪವಿತ್ರತಾ ಕಾ ಸಂರಕ್ಷಣ ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಸೇ ಹಿ ಹೋತಾ ಹೇ, ಇಸ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೇ ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಹುವಾ ಪಾನಿ ಕೂಪ ತಟಾಕಾದಿ
तालाब का पानी, नदी का पानी, ऐसा ही पानी शुद्ध है, नहीं प्राप्त हो रहा है। बहुत प्रयत्न तो करना अर्चक का दायित्व तो है, नहीं प्राप्त हो रहा है तो इसी पानी को लेना पड़ता है। परंतु लेने के बाद उसको देसी गाय का दूध का थोड़ा संस्पर्श करवा के उस दूध से ये पानी भी पवित्र हो जाता है। इसके आधार से भी हम उसको शुद्धता पवित्रता मान के स्वीकार कर सकते हैं। इतना तो हम करने के लिए प्रयत्न करेंगे तो धीरे धीरे भगवान हमें अच्छा और पवित्र पानी देने के लिए भी योजना बनाएंगे। परंतु हमें आलस्य नहीं रखना, थोड़ा दूर होगा तो भी वो पानी वहां से लेके आने में हमें कुछ प्रयास करना चाहिए। और बड़े बड़े मंदिरों में तीर्थ शुद्धि के लिए बहुत पुराने काल से भी व्यवस्था रहता है, इसलिए वहां मंदिर के लिए अलग अलग वापी कूप तटाक आदि कुआ रहता है, तालाब रहता है, उस तालाब के लिए पानी आने के लिए योजना रहता है, और वो पानी भी अत्यंत शुद्ध स्थानों से, पर्वतों से, इत्यादि से आके पहुंचता है। उस पानी को सुबह सुबह अर्चक स्वयं जाके लेके आता है, या पुजारी, पुजारी का सहयोगी जो भी हो वहां जाके वो तीर्थ लेके आएंगे। उस तीर्थ लेके आना लेना, और उसमें भी वस्त्रपूतम जलम, और वस्त्र से उसको शुद्धिकरण करना, शुद्धीकृत वस्त्र को, वो पानी को लेते वक्त भगवान का अनुसंधान करते करते संप्रदाय में यामुनाचार्य कृत आलवंदार स्तोत्र, यामुनाचार्य कृत स्तोत्र रत्न, स्तोत्रों में रत्न प्राय स्तोत्र है, उसका अनुसंधान करने का परिपाठी है। ये स्तोत्र रत्न का भी उच्चारण अनुच्चारण हमने यहाँ पर क्लास में दिया गया है, इसलिए उसको भी हम आगे कभी भी चितंता स्तोत्र होने के बाद उसका भी उच्चारण अनुच्चारण का वर्ग हम भेजते हैं। स्तोत्र रत्न जिसको नहीं आएगा उसको भगवान का सेवा में भाव नहीं आएगा, संप्रदाय का भाव नहीं आएगा, आचार्य परंपरा में श्रद्धा नहीं आएगी, आचार्य परंपरा कृत ग्रंथों में भाव नहीं आएगा, मंदिरों में रहने वाले मूर्तियों में प्रेम नहीं बढ़ेगा, और अपना नैच्यानुसंधान करने को सीखना है तो ये स्तोत्र रत्न से ही हो सकता है। जिसको नैच्यानुसंधान करना नहीं आता है वो अर्चक भी नहीं बन सकता है, इसलिए ये नैच्यानुसंधान जीवन का अत्यंत उत्कृष्ट मौल्याधारित शिक्षण का एक अंग है। ये स्तोत्र रत्न का अनुसंधान से ही आएगा, इसलिए स्तोत्र रत्न सीखना है। अकस्मात नहीं आ पा रहा है तो हमको उच्चारण अनुच्चारण करके देखे देखे पाठ करने को आना, और उसका रिकॉर्डिंग तैयार कर देना, और रिकॉर्डिंग करके मंदिर में चलाएंगे तो भी हम बहुत उसका श्लोकों को हम धीरे धीरे सीख लेंगे, अनुसंधान में आ जाए, और उसका अर्थानुसंधान करते हुए कालक्षेप करेंगे तो अत्यंत अद्भुत हो जाए। उसके आधार से सीखने के लिए प्रयास करना। तीर्थ शुद्धि एंगे इल्लियो अंदर अड़तला परार्थ एजनम उत्तम आहार, आचार तक मूलमान स्थान में तीर्थम, अंदर तीर्थ शुद्धि कहा मुदल सन्निधि की अधिक वेंड्य व्यवस्थे अर्चक नानवन अंगिरकर समितियो பெரியோர்களோ அவர்கள் மூலமாக நின்று செய்ய வேணும். அந்த தீர்த்தம் அகஸ்மாத் லௌகிகமான கோயில்களிலே கிடைக்க முடியாது என்கிற ஸ்திதி இருந்தால் அந்த தீர்த்தத்துக்கு சுத்தமான
தேசி பசு பசுமாடு அதனுடைய பாலை அதுக்கு ஸ்பர்ஷம் பண்ணியாவது அந்த தீர்த்த சுத்தியை பண்ணி பெருமாளுக்கு திருவாராதனம் பண்ண வேணும். சில கோயில்களில் நல்ல தீ பால் கூட கிடைக்காது, டைரியிலேருந்து கொண்டு வந்து அந்த பால் தான் யூஸ் பண்ணணுங்கிற ஸ்திதி வந்திருக்கு. அது இல்லாமல் அட்லீஸ்ட் ஒரு பசுமாடையாவது, தேசி பசுமாடையாவது வச்சு தன் மூலமாக வந்த பாலை அதற்கு சேர்த்து அதன் மூலமாக தான் பெருமாளுக்கு திருவாராதனங்கள் பண்ணணும். அவ்வளவாவது கிரமத்தை அனுசந்திப்பதல் பிரயத்னத்தை செய்தால் அந்த கைங்கரியம் விளங்கும். தீர்த்த சுத்தி இல்லாமே கைங்கரியம் சுத்தமாகாது, ஏன்னா அதுதான் மூலம். இஸ்லிய தீர்த்த சுத்திக்கு ஆதார் சகி கர்னா ஒரு தீர்த்துக்கோ ஜித்னா ஹோ சகே உத்னா கௌ கூவா தாலாப் நதி வகைரே சே லானா. பகுத் பிராச்சீன் மந்திரம் देश में विदेश में रहने वाले मंदिरों में भी इसका व्यवस्था बहुत जगह में किया गया है भी आज उस तीर्थ को भी अनुसंधान के साथ प्रदक्षिण क्रम से लेके आके पहले मंदिर में आचार्यों का आराधन, क्योंकि आचार्य हस्ते न आराधनम अंगीकुरुष्वा ऐसा ही प्रार्थना करते हैं भगवान के पास। इसलिए मैं तो योग्य नहीं हूँ, मेरा जो पूर्वाचार्य है उनका कृपा से मैं कुछ करता हूँ, इसलिए वो ही शुद्ध है, वो ही पवित्र है, उनके करकमलों से ये आराधन को आप स्वीकार करो ऐसा प्रार्थना करते हैं। इसलिए सर्वप्रथम मंदिरों में जो आचार्य है, खास करके सब जगह में भगवत्पाद रामानुजाचार्य का मंदिर होता ही है, इसलिए उस मंदिर में आराधना करना जिस परंपरा में है उसके आधार से उस मंदिर में उस आचार्य का आराधना करके उसके बाद ही हम आचार्य के साथ जाके भगवान का आराधना करते हैं ऐसा भाव से करना है। तो बहुत मंदिरों में ये प्रथा भी है, खास करके मेलकोट का मंदिर में यही योजना है। भगवत्पाद रामानुजाचार्य का मंदिर में पहले आराधना होगी और उसके बाद भगवान का मंदिर में आराधना के लिए सब आचार्य का प्रसाद स्वीकार करके आचार्य के साथ वहां जाके भगवान को जगा रहे हैं विश्व रूप दर्शन के लिए, मंगला दर्शन के लिए ऐसा भाव से जाते हैं। अतः आचार्य आराधनम अर्घ्यपादापाद्यादि सांगोपांगम विधाय अनंतरम भगवंतं प्रबोधये किमिति प्रबुद्धत्वं जगन्नाथा इत्यादि स्तोत्र ही। कुछ जगह में प्रातरग्निम प्रातरिन्द्रगम हवामहे ऐसा भाग्य सूक्त प्रातः सूक्त ऐसा जो प्रसिद्ध है उस वेदवाणी का भी अनुसंधान है और अत्यंत प्रसिद्ध कौसल्या सुप्रजा रामा उस श्लोक से भगवत्पाद भगवान राम का प्रबोधन का अनुसंधान क्रम है। उसके अलावा वेंकटेश मंदिर में वहाँ का वेंकटेश सुप्रभात उस दिव्य क्षेत्र में वहाँ वहाँ का मंदिर का भगवान का जो सुप्रभात स्तोत्र है वो स्तोत्र वेद मंत्र इत्यादियों से और तूर्य घोष वाद्यैः सह भगवंतम प्रबोधये भगवान का प्रबोधन का अनुसंधान करना है। श्लोक भी बहुत अच्छा है। हे भगवन जगन्नाथ त्वं प्रबुद्धः प्रबुद्धो भव। हे परमेश्वरा त्वं प्रबुद्धः। हे पुंडरीकाक्षा आपका प्रबोध इसलिए चाहिए भक्तों के ऊपर अनुकंपा करने के लिए। त्वयि प्रबुद्धे देवेशा तवाग्रे परमेश्वरा लौकिकानीह कार्याणि तानि निर्वर्तयाम्यहम्। आप प्रबुद्ध होंगे, शयन से उत्थित होंगे तो ही मैं आपके सामने ये जो अर्घ्यपाद्यादि
आचमना इत्यादि अनुसंधान के साथ जो लौकिक कार्य है वो सब मैं कर सकता हूँ और सबसे करवा भी सकता हूँ और सबको इस विषय में अच्छा शिक्षा भी दे सकता हूँ। इसलिए आप पहले हमारे लिए हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आप इस योग निद्रा से उठिए। अग्रत सर्वयज्ञानां त्वं प्रभुर्नामतः सदा नापरेषु जगन्नाथ पूजितेषु सुरेष्वपि। आपका उत्थान नहीं है तो अन्य देवताओं के द्वारा जो भी हम आहुतियों देंगे उस पूजा वो सब पूजा वो निरर्थक हो जाएगा, उसका किसी का काम का नहीं होगा। सर्वयज्ञानां अग्रतः त्वमेव प्रभु, जो भी यज्ञ हो सब यज्ञ में आप ही प्रभु है, आपको ही आगे रखे हम इतना यज्ञ याग इत्यादि सभी आराधनाओं का अनुसंधान करते हैं। हम किसी का भी पूजा किए तो भी आपका वहां पर उपस्थिति नहीं है तो वो सब निरर्थक हो जाए, सबका पूजा पूजा नहीं हो। पूजितेषु सुरेष्वपि एतत् अपरेषु पूजितेष्वपि एतत् पूजा।